पहले क्वेश्चन ये था कि कार्ब्स लोडिंग का पीक वीक का साइकिल क्या रहता है या उसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो पीक वीक हर एक एथलीट के लिए अलग अलग है। सबसे पहले बॉडी बिल्डिंग के लिए अलग होते हैं, मैराथन के लिए अलग होते हैं, एथलेटिज्म के लिए अलग होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट लोडिंग सब में होता है, खाली उसका ड्यूरेशन अलग अलग है। हम बात करेंगे आज बॉडी बिल्डिंग की, बिकॉज क्वेश्चन उसका आया है। तो बॉडी बिल्डिंग में बेसिकली कार्ब लोडिंग होता है एक दिन पहले शाम को, जहाँ पे आप पूरे महीने में या पूरे हफ्ते में पानी का फ्लो आपका बॉडी का कम हो जाएगा। पानी आप पीना बंद कर देंगे, सॉल्ट खाना बंद कर देंगे, जिससे पानी बॉडी में से पहले तो निकल जाएगा। एकदम लो कार्ब डाइट, हाई प्रोटीन पे होंगे। और लास्ट जब दिन आता है उसके अगले दिन आप कार्ब लोडिंग चालू कर सकते हैं, जैसे बोलते हैं क्लीन कार्ब लोडिंग। लोग क्या करते हैं, बर्गर खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं 2 घंटे पहले, लेकिन वो अनसेफ है। अगर जरा भी ब्लोटिंग आ गया ना तो आपकी पूरी कॉम्पिटिशन, पूरी 6 महीने की तैयारी वेस्ट हो जाएगी। तो आप ये कर सकते हो कि भी कॉम्पिटिशन से एक दिन पहले शाम को, जैसे आज कॉम्पिटिशन हवाज मॉर्निंग में 10 बजे प्री जजिंग है, तो शाम को 5 बजे से आप कार्ब लोडिंग चालू कर सकते हो। उसमें ऐसे कार्ब जो ड्राइड कार्ब से, जैसे कि अगर स्वीट पोटैटो लेना है शक्करकंद, तो उसमें छेद करके उसे ग्रिल कर दीजिए। ओट्स खाने हैं तो ओट्स को ग्रिल कर दीजिए, पानी नहीं होना चाहिए। ऐसे कार्बोहाइड्रेट कर ऐसे फॉर्म में आप उसे ले सकते हैं, कुक फॉर्म में। जैसे शाम को आपने ले लिया ग्रिल पोटैटो, फिर रात को आपने ले लिए ड्राइड ओट्स, मॉर्निंग में आपने ले लिए 2 राइस केक, ड्राई राइस केक जो आते हैं वो, ऑटोमेटिकली जो है 3 चीज़ें आपको बॉडी में ग्लाइकोजन रिफिल करना है, बहुत हेल्प करेगी। और फिर 2-3 घंटे के गैप पे आपको लेना है। प्रोटीन वोटीन मत लीजिए यहाँ पे, अब जरूरत नहीं है, वो टाइम चला गया। अब कार्बोहाइड्रेट लोडिंग में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे फोकस करिए और आपकी बॉडी ज़्यादा फुल हो जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि मॉर्निंग में भी अगर चालू करेंगे तो शाम तक, शो तक आप बहुत बैश हो जाएंगे। लेकिन प्री जजिंग खास मेन काउंट करता है आपके मार्क्स के लिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ एक दिन पहले ही चालू करिए। ओके, तो अगर ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे, ऐसे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स इस टाइम पर, तो आपकी बॉडी आई थिंक 1.5 गुना बेटर हो जाएगी जो आपकी करंट बॉडी ना, उससे ट्राई करके देखिए।